नमस्कार एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। संसद में मॉनसून सत्र का दूसरा हफ्ता, पहला हफ्ता जासूसी कांड, किसान आंदोलन जैसे तमाम मुद्दों के चलते रहा हंगामेदार, तो दूसरे हफ्ते के दौरान भी विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश जारी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में पेगासस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। दरअसल आरोप है कि 300 से अधिक भारतीय मोबाइल फोन नंबर्स को इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर के मार्फत हैकिंग के लिए निशाना बनाया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अनोखा अंदाज प्रदर्शन, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए राहुल, कृषि कानूनों के खिलाफ जताया विरोध। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई अन्य कांग्रेसी नेता सवार दिखे। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों की आवाज है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में समारोह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और सीडीएस विपिन रावत ने शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने पाक को किया था पराजय। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, नौसेना स्टाफ के उपप्रमुख वाइस एडमिरल भी रहे उपस्थित। कारगिल शहीदों को लोकसभा में किया गया याद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से अर्पित किए श्रद्धा सुमन, कहा सशस्त्र सेनाओं के शूरवीर सैनिकों को मातृभूमि के प्रति समर्पण के लिए अभिनंदन। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे, कारगिल के शहीदों को सेना ने की श्रद्धांजलि। मां तेरी कसम गाना किया समर्पित, गिरी कमर ने गाया है मां तेरी कसम गाना। कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के बलिदान को किया याद, भाजपा ने किया शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, सतीश पूनिया ने शहीदों को किया नमन। जोधपुर में कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने मनाया जश्न, शहीद स्मारक पर सेना की पूर्व सेना के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। रंग दे बसंती चोला गाने पर झूमते दिखे जवान। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आज चौथा दिन, भारत के लिए दिन की रही अच्छी शुरुआत, तलवारबाजी में सी भवानी देवी को मिली जीत। तो वहीं टेबल टेनिस में भारत के शरद कमल ने पुरुष वर्ग के सिंगल्स मुकाबले में पुर्तगाल के टियागो को 4-2 से हराकर तीसरे दौर में बना ली जगह। तीरंदाजी में भी भारत को जीत हुई हासिल। कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक तेज, मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने इस्तीफे का किया ऐलान, बोले मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। उन्होंने कहा कि उन पर हाईकमान का कोई प्रेशर नहीं, मैंने खुद इस्तीफा दिया, मैंने किसी के नाम को नहीं सुझाया, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा, कर्नाटक की जनता की सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का शुक्रिया। 2024 के लिए एनडी बीजेपी फ्रंट की तैयारी, 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी, विपक्षी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक। बगभवन में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात का कार्यक्रम, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभव। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र का आगाज, वहीं पिछली बार सदन में मारपीट की घटना के विरोध में राजद विधायक सदन में हेलमेट लगाकर पहुंचे, जताया विरोध। देशभर में कोरोना के आंकड़ों में रफ्तार कम, पिछले 24 घंटे में 38,176 नए मामले आए सामने, तो 35,945 लोगों ने कोरोना को दी मात, जबकि 411 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। तो वहीं एक्टिव केसेज में 2,112 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड, साथ ही केरल में हालात दिन प्रदिन बिगड़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच चिंता की बात यह है कि देश के 11 राज्यों में अभी भी रोजाना 500 से ज्यादा संक्रमितों की हो रही पहचान। दिल्ली में लंबे समय के बाद आज फिर लौटी रौनक, दिल्ली में आज से अनलॉक 8 की नई गाइडलाइंस लागू, आज से खुले सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। डीडीएमए ने दिल्ली मेट्रो को 100% क्षमता से चलाने की दी इजाजत, डीटीसी की बसें भी पूरी पैसेंजर क्षमता के साथ चलेगी। शादी समारोह में 50 लोगों की गिनती को बढ़ाकर किया गया 100, अंतिम संस्कार में भी 100 लोग हो सकेंगे शामिल। उत्तराखंड के भगवानपुर दयालपुर ग्राम के ग्रामीण राशन डीलर की दबंगई से परेशान, शराब पीकर गाली गलौज करना और राशन के बंटवारे में हेराफेरी करने का मामला आया सामने, शराब पीते राशन डीलर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, आरती के साथ सावन और सोमवार के साथ शुरू हुए दर्शन। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन दौरा, सावन के पहले सोमवार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ उज्जैन के महाकाल के दर्शन और पूजा की। भरतपुर के कामा में श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में गूंजे भोले के जयकारे, केदारनाथ धाम पर आस्था का उमड़ा सैलाब, लोगों ने पूजा अर्चना कर मांगी मन्नत। झुंझुनू में सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में पहुंचे श्रद्धालु, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल, श्रद्धालुओं को उत्साह देखते ही मिला।
बीकानेर में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भीड़, भगवान शिव का किया गया अभिषेक। सावन के चलते शिव मंदिरों में विशेष रोशनी से नहाया मंदिर। झलावाड़ के डग में श्रावण के प्रथम सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हुए दर्शन, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल रहा तैनात। सिरोही में श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर भक्तों में उत्साह। शिवालयों में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त, श्री सांडेश्वर महादेव मंदिर सहित जिले के तमाम शिवालयों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। झालावाड़ के आवर क्षेत्र के शिवालयों में गूंज ओम नमः शिवाय का जयकारा। सुबह से ही शिव भक्तों से शिवालय अटा रहा। शिव पूजन करने के लिए महिलाओं और युवतियों की भीड़ आई नजर। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मंदिरों में शिव भक्तों का तांता। इच्छा पूर्ण होने के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। शिव चरनौली के समीप 1950 में स्थापित हुआ था शिव मंदिर। क्षेत्र में आस्था का केंद्र बना हुआ है शिव मंदिर। अलवर के माझीगला के सावन महीने के पहले सोमवार में शिवालयों में भीड़, हर हर महादेव की सुनाई दी गूंज। शिव मंदिरों पर साथ अन्य मंदिरों पर भी दिनभर भक्तों का लगा रहा तांता। राजसमंद जिले के मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर रही श्रद्धालुओं की भीड़। शिवजी को अगरबत्ती, प्रसाद, बिलपत्र चढ़ाकर क्षेत्र में अमन चयन की कामना। भक्तों के द्वारा किया गया जलाभिषेक। जालौर के भीमबाल में श्रावण के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिवजी के दर्शन कर की पूजा अर्चना। सोमवार के चलते शिवालयों में दिनभर मेले जैसा रहा माहौल। भरतपुर में भुसावर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मुरगुड़ा थाने के उपनिरीक्षक मेमपाल सिंह को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। धारा 307 पर किया था मामला दर्ज, हटाने की एवज में रिश्वत की मांग। बारा के शाहबाद में पिछले 7 वर्ष से फरार स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। शाहबाद पुलिस ने मध्य प्रदेश से दबोचा। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई। बारा के शाहबाद में औने पौने दामों में लाइसेंस शुदा शराब ठेकों की बेच रही शराब। आबकारी विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। लाइसेंस शुदा शराब ठेकों पर शराब ठेकेदारों की मनमानी। जयपुर के कानोता में सरकारी ट्यूबवेलों की केबल काटते हुए एक चोर को पकड़ा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे कानोता सरपंच और जलदाय विभाग की कार में आरोपी को किया पुलिस के हवाले। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में विद्युत समस्याओं को लेकर आहत ग्रामीणों ने दिया धरना। अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की रखी मांग। विद्युत समस्याओं को हल करने की मांग हुई थी। प्रतापगढ़ के बारवर्दा घाटे भूतिया पर वाटे की ट्रक से पलटी, भारे से मार्ग पर लगा जाम। 10 किलोमीटर तक लगी लंबी कतारें। झुंझुनू जिला कलेक्टर ड्यूटी खान का खेतड़ी दौरा। भोपालगढ़ और बांसियाल क्षेत्र का किया दौरा। भोपालगढ़ को बताया बेहद खूबसूरत विरासत, वहीं बांसियाल के रखरखाव के दिए निर्देश। झुंझुनू के खेतड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 पर उपचुनाव वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष व चेयरमैन प्रति आमने सामने। भाजपा ने भी सतीश कुमार को उतारा है मैदान में। झुंझुनू के पिलानी में आरती की मौत के मामले में प्रदर्शन। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे सड़कों पर। जांच होने तक अस्पताल बंद रखने की मांग। झुंझुनू के सूरजगढ़ में प्रेम सिंह बाजौर पर हमले का मामला। हमले को लेकर भाजपा हुई मुखर। का हमला करने वाले नहीं हो सकते किसान। किसानों के नाम पर ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई। झुंझुनू के मलसीसर में 4 दिन के बाद भी नहीं सुधरे हालात। 4 दिन के बाद भी पानी की निकासी नहीं। प्रभावित परिवारों ने किया पंचायत पर प्रदर्शन। का हो गया है गरीब परिवारों को नुकसान, फिर भी हाथ पर हाट धरे बैठी है ग्राम पंचायत। झुंझुनू में रोडवेज संघर्ष समिति का प्रदर्शन। 1 घंटे का प्रदर्शन कर दोहराई मांग। कहा जिसमें हमने चैलेंज किया उसे चेंज किया, इसलिए हम कांग्रेस सरकार हमें ना चैलेंज करे। बूंदी के तालाब गांव में किशोर पर दिनदहाड़े हुई फायरिंग को लेकर किशोर का जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज कराने व अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोटा के मेडिकल कॉलेज ग्रायनी विभाग में कोविड पॉजिटिव 125 गर्भवती महिलाओं पर स्टडी का हमार। में गर्भस्थ शिशु को कोविड-19 संक्रमण का खतरा नहीं, बच्चे को पूरी सुरक्षा देती है मां की नेचुरल इम्यूनिटी। झुंझुनू में शहीद स्मारक पर याद किया गया शहीदों को। कारगिल विजय दिवस पर हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। कलेक्टर यूडी खान व एसपी मनीष त्रिपाठी ने दी पुष्पांजलि। कलेक्टर ने कहा शहीद और उनके परिवार का सम्मान प्राथमिकता। झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान करने वालों को दिए गए फलदार पौधे। इसके अलावा 5 जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम। रॉयल ह्यूमन सोसाइटी की ओर से हुआ कार्यक्रम। भरतपुर में 50वां कारगिल विजय दिवस समारोह मनाया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में आयोजन। पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को किया नमन। सीकर में भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। सैनिक कल्याण मूल अधिकारी वीर सिंह रहे उपस्थित। कहा आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। नागौर के मेड़ता में चतुर्मास महोत्सव का आयोजन। 17 सितंबर तक चलेगा आयोजन। बाल संत कृष्ण जी व श्री परमानंद जी दादूपंथी पुष्कर कर रहे प्रवचन। पाली के डोहट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पितापुत्र के कब्जे से 42 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद। सांवलाता शहर में नाकेबंदी कर पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। पाली के मारवाड़ में ब्लॉक के निजी शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी की हुई बैठक। सर्वसम्मति से निर्णय लेकर जसवंत सिंह धीमालिया को अध्यक्ष पद पर किया निर्वाचित। संघ की नई कार्यकारिणी के गठन संबंधी चर्चा की गई। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी रहे उपस्थित। ओला ने सबसे पहले संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की ली जानकारी। पाली रेलवे स्टेशन के पास कॉलोनियों में भरा पानी। सड़कें हुई लबालब। स्टेशन के पास बने 25 फीट गहरे अंडरब्रिज पर भी हुआ लबालब पानी। खतरा होते हुए भी गहरे पानी में कूद रहे युवक।
झालावाड़ के आवर क्षेत्र में बारिश, झोपड़ियों और कच्चे मकानों के लिए आफत की बारिश बनकर बरसी। लगातार बारिश और हवाओं से कच्चे मकानों को भारी नुकसान। पगारिया में एक मकान भी ढह गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।